बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 9, आप लोग देख रहे होंगे कि ये लेक्चर नंबर 9 ही है, मगर इस लेक्चर नंबर 9 का ये शुरू हो गया है जी पार्ट नंबर 2। ठीक है, यानी ये पार्ट नंबर 2 है हमारे लेक्चर नंबर 9 का, और आई थिंक ये पार्ट नंबर 2 आगे लीड करेगा टू पार्ट नंबर 3। तो आप लोग सोच रहे हो कि ये फाइल एंड प्रिंट सर्वर को क्या हो गया है कि ये 3 लेक्चर्स में हो रहा है। तो पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने प्रिंट सर्वर पढ़ा था, ठीक है। आज हम प्रिंट सर्वर से आगे निकल के स्टोरेजेस की बात करेंगे, ठीक है, और स्टोरेजेस के बाद निकल के फर्दर जो थर्ड पार्ट है इज कॉल्ड DFS और शेडो कॉपी की बात करेंगे। तो ये एक्चुअली हमारा चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10 दोनों को कंप्लीट कर देगा। पहले मैं सोच रहा था कि इसको एज अ सेपरेट चैप्टर रिकॉर्ड करूं या एज अ सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड करूं या इसको, मगर जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 9 का नाम फाइल एंड प्रिंट सर्वर दे दिया था, इसी तरह फाइल स्टोरेज और DFS, शेडो कॉपी, कोटाज, लिमिट, सारा कुछ आर द पार्ट ऑफ द सेम थिंग। तो मैंने कहा इसको एक ही उसके अंदर रखा जाए लेक्चर के अंदर। तो इन शॉर्ट ये कि लेक्चर नंबर 9 जो सा होगा वो 3 डिफरेंट पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट प्रिंट सर्वर था, कंप्लीट हो गया प्रिंट सर्वर हमारा। आज हम जो है वो फाइल सर्वर के बारे में पढ़ेंगे और फाइल सर्वर के नीचे वो फिर सब कैटेगरीज हैं। ठीक हो गया, शुरू करते हैं स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज जो सा है वो इस टाइम जो सा है एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है कि स्टोरेज के बगैर आप लोग काम नहीं कर सकते। ठीक है, से अगर मैंने कहा कि मेरे पास जो सा है डाटा है वो मैंने किसी चीज़ में रखना है, तो यू डेफिनेटली नीड सम स्टोरेज कि उसके ऊपर आप डाटा रखें। तो स्टोरेज की कोई 3-4 डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस बंदे से बात कर रहे हैं, किस वेंडर से बात कर रहे हैं, आपको डिफरेंट स्टोरीज सुनने को मिलेंगी। ठीक है, सबसे जो पुरानी और वेल नोन फॉर्म ऑफ द स्टोरेज है इज कॉल्ड अ डैश स्टोरेज। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज क्या है, जिस तरह आपका ये सर्वर है और सर्वर के अंदर आपकी हार्ड ड्राइव लगी हुई है, ठीक है, दैट हार्ड ड्राइव इज कॉल्ड योर डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज। दूसरा दूसरा एक और पुराने ज़माने बल्कि अभी भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हो रहा होगा, अगर आप अपना कंप्यूटर ओपन करें तो कंप्यूटर के अंदर आपको एक वाइट कलर की केबल नज़र आएगी, ठीक है, जो कि आजकल के कंप्यूटर्स में नहीं होगी, इज कॉल्ड अ स्कजी केबल। तो डैश स्टोरेज कुछ ऐसी स्टोरेज होती थी कि एक रैक लिया हमने और उसके अंदर बहुत सारी हार्ड ड्राइव्स लगा दी, ठीक है, हार्ड ड्राइव्स लगा दी और उन हार्ड ड्राइव्स को इस सर्वर के साथ अटैच कर दिया, दैट इज कॉल्ड डैश स्टोरेज। ठीक है, इसके अंदर फिर लोड बैलेंसिंग और क्लस्टरिंग का ऑप्शन ये आता था कि इधर से एक और स्टोरेज निकाल के, एक और स्कजी केबल निकाल के या स्टोरेज केबल निकाल के और दूसरे सर्वर में लगा दी जाती थी। तो सर्वर 1 एंड सर्वर 2, अगर सर्वर 1 डाउन होता था तो सर्वर 2 कनेक्ट होता था, बट इट वाज एक्सपेंसिव और इसमें कुछ लिमिटेशंस थी। फिर उसके बाद सेकंड वे ऑफ स्टोरेज ये आया कि हम एक काम करें कि एक रैक लें और उसके अंदर स्टोरेजेस लगा दें, ठीक है, ये एक्चुअली मैं हार्ड ड्राइव दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, और इन हार्ड ड्राइव्स को, इन तमाम केबल्स को अपने नेटवर्क स्विच के साथ कनेक्ट कर दें और नेटवर्क स्विच के बाद तमाम सर्वर जो से हैं उस स्विच से कनेक्टेड हों। ठीक है, इसकी लिमिटेशन ये थी कि ये सारा कुछ नेटवर्क पे रिलाई कर रहा था, अगर नेटवर्क स्लो होता था या फास्टर होता था तो प्रॉब्लम हो जाती थी। ठीक है, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आया इज कॉल्ड अ सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक है, कि हम पूरी की पूरी स्टोरेज को ही अपने नेटवर्क के ऊपर रख लें। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन जो सा है इसके अंदर फिर मल्टीपल वेरिएशंस आनी शुरू हुई। दो सिंपल स्टैंडर्ड सैन जो सी थी वो ये थी कि इज कॉल्ड अ फाइबर चैनल सैन। ठीक है, वो पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर होता था कि सैन एनेबल्ड स्विचेस, फाइबर चैनल स्विचेस होते थे और उन स्विचेस के साथ आपके स्टोरेजेस कनेक्टेड होती थी, सॉरी सर्वर्स कनेक्टेड होते थे और इन सर्वर्स के साथ आपकी स्टोरेजेस कनेक्टेड होती थी, ये स्टोरेजेस लगी हुई। ठीक है, तो एक्चुअली एक रैक, 2 रैक्स हैं और वो फाइबर चैनल, और जब इन सर्वर्स ने अपने नेटवर्क पे कम्युनिकेट करना होता था तो लेट मी सिलेक्ट अ डिफरेंट कलर। ठीक है, तो जब इन्होंने अपने नेटवर्क पे कम्युनिकेट करना होता था तो वो नेटवर्क स्विच सेपरेट होता था। ठीक है, ये सॉल्यूशन जो सा है बहुत एक्सपेंसिव था। ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव था और एक्सपेंसिव होने के साथ साथ इसके लिए अक्सर ये होता था कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज़ डिप्लॉय की हुई तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इन हाउस पर्सन नहीं ये काम कर रहे होते थे, आपने किसी कंपनी को ऑफलोड किया होता था। तो इन शॉर्ट ये कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव सोल्यूशन था। ठीक है, मगर इट वर्क वेरी वेल। ठीक है, फाइबर चैनल थी, फाइबर सॉर्ट ऑफ फाइबर इंटरफेसिस होते थे, उन्हें HBA कहा जाता था। ठीक है,
होस्ट बेस एडॉप्टर आई थिंक मुझे मेरे ख्याल में उन्हें कहते हैं, और उसके अंदर फिर एम पी आई ओ मल्टी सर्वर कनेक्शन जो से हैं, मल्टी पाथ आईओस का कॉन्सेप्ट था कि एक सर्वर है और उसके दो स्टोरेजेस के साथ कनेक्शन है, लाइक हमारे पास एक सर्वर है और उसका कनेक्शन दो स्टोरेजेस के साथ है, ठीक है, अगर पहली स्टोरेज डाउन हो जाती तो वो दूसरी स्टोरेज को यूज़ करना शुरू कर देता था, तो बहुत हाई कर देता था, नहीं कर देता है, ठीक है, तो उसके अंदर ये इस तरह की कैपेबिलिटी थी। मगर सबसे एक्सपेंसिव चीज़ क्या थी कि उसमें बहुत ज़्यादा हार्डवेयर रिक्वायर होता था, फाइबर चैनल स्विचेस यूज़ होते थे और बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती थी, एक्सपर्टीज़ रिक्वायर होती हैं और वो बहुत एक्सपेंसिव सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर आप हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशंस में चले जाएं, लाइक से वी आर टॉकिंग अबाउट टेराबाइट्स ऑफ डेटा, तो वहाँ अभी भी ये फाइबर चैनल सेंस यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ जो सी जिसने ये थोड़ी गरीब मार्केट को कवर किया, इसका ऑर्डर iSCSI है। iSCSI सैन क्या है कि SCSI एक प्रोटोकॉल, ठीक है, ठीक है, SCSI एक प्रोटोकॉल और उसको हम यूज़ करते हुए उसको यूज़ करेंगे इथरनेट के ऊपर, ठीक है। वो कैसे होगा कि इसी तरह मेरे पास दो सर्वर्स लगे हुए हैं, ठीक है, और वो सीधे हमारे इथरनेट स्विच के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, और उसी इथरनेट स्विच के ऊपर कहीं पे हमारी स्टोरेज पड़ी हुई है, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास वो IPsec की कैपेबिलिटीज़ भी है। और ये जो iSCSI जो लिखते हैं iSCSI ओवरलैन SCSI प्रोटोकॉल, जिस तरह हमारी वो वाइट कलर की जो हम डेस्क के अंदर केबल यूज़ कर रहे थे, वही कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इस काबिल बना दिया गया कि वो हमारे इथरनेट के TCP/IP के फ्रेम के ऊपर बैठ के चला जाए, और अगर कोई TCP/IP के ऊपर जा सकता है और हमने उसे प्रोवाइड सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो हम उसके लिए IPsec यूज़ कर सकते हैं। जबकि फाइबर चैनल सैन के अंदर हमें, अगर हमने सैन स्टोरेज और दो डिफरेंट साइट्स को आपस में कनेक्ट करना है तो वी नीड अ प्रॉपर फाइबर सॉल्यूशन और एक्सपेंसिव, मगर ये 40 GB तक 40 Gbps तक जा सकती है, ठीक है। इसके अब अगर दो कम हर बंदे का एक डिफरेंट व्यू ऑफ थिंकिंग है। कुछ लोग जो फाइबर चैनल सैन की बात करते हैं वो कहते हैं फाइबर चैनल सैन इज़ मच मोर फास्टर देन iSCSI सैन, क्योंकि तो 40 Gbps है और हमारी जो इथरनेट टेक्नोलॉजी है जो सिंपल नेटवर्क की केबल है दैट इज़ iSCSI सैन, ठीक है, वो आपको कैन नॉट गिव यू मोर देन 10 GB, ठीक है। अगर बहुत एडवांस सर्विस की बात करें तो आपको 10 Gbps इथरनेट अभी अवेलेबल है, ठीक है, 6E के साथ, कैट 6E के साथ, ठीक है। मगर जो लोग iSCSI सैन के फेवर में बात करते हैं वो कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन जो हार्ड ड्राइव के साथ IO कम्युनिकेशन है, क्योंकि एक्चुअली तो हार्ड ड्राइव के साथ कम्युनिकेशन हो रही है ना, कि अगर इस सर्वर ने कोई डाटा स्टोर करना है या पुल करना है तो वो इधर से करना है, ठीक है, और जब इसको कंपेयर करते हैं फाइबर चैनल के साथ तो ये 40 Gbps का नेटवर्क है और ये 10 Gbps का नेटवर्क है, ठीक है। अगर थोड़ी पुरानी बात कर लो तो जी ये 10 Gbps का और ये 1 Gbps का नेटवर्क है, तो वो लोग ये बात करते हैं कि जो स्पीड ऑफ द नेटवर्क डजेंट मैटर, इज़ अबाउट द एप्लीकेशन और यहाँ पर RPMs और इस तरह की स्टोरी। मगर जो लोग फाइबर चैनल सेंस की बात करते हैं दे गो ऑन द अदर साइड, ठीक है। तो ये एक्चुअली स्टोरी है, आपकी बुक ने इसको इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं किया हुआ, मगर मैंने सोचा कि एक स्टेप एक्स्ट्रा लेके मैं आपको थोड़ा सा सिमुलेशन करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं और आपने ये जो सा है iSCSI डिप्लॉय करना है तो आप क्या करोगे कि आपने सिंपल एक सर्वर लिया, ठीक है, और उसको स्ट्रेट अवे नेटवर्क पे कनेक्ट कर दिया, आपका सिंपल नेटवर्क का स्विच है, ठीक है। फाइबर चैनल सैन में ऐसा नहीं होता, फाइबर चैनल में आपको फाइबर चैनल नेटवर्क स्विचेस लगाने पड़ते हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे आपको एक और बात बताता चलूंगी, मैं आपको iSCSI की स्टोरी सुना रहा हूँ। iSCSI स्टैंड्स फॉर इंटरनेट स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ठीक है, इंटरनेट स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ठीक है। और जब हम iSCSI सैन की बात करते हैं तो ये हमारे TCP की पोर्ट नंबर 860 और 3260 पे काम कर रहा होता है, ठीक हो गया। तो जब मैंने iSCSI सैन की बात की तो वो कुछ ऐसे कि ये सर्वर लगा हुआ है, ठीक है, और ये कोई मेरे पास स्टोरेज लगी हुई है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस है, सॉल्यूशंस है, आप बाय कर सकते हो, ठीक है, लाइक HP की अगर मुझे अच्छी तरह याद नहीं तो कोई ई सीरीज़ की स्टोरेज है, EMC आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। और जब हम फाइबर चैनल की बात करते हैं तो फाइबर चैनल के अंदर जो स्विचेज, फाइबर चैनल के स्विचेज हम ब्रोकेट, सिस्को और काफ़ी सारी कंपनीज प्रोवाइड करती है। सिस्को ने बल्कि अभी रिसेंटली एक स्विच निकाला है, इसका कॉल्ड नेक्सस, अब उसे रिसेंटली तो नहीं कह सकते क्योंकि 1 ईयर प्लस हो चुके हैं उसको अनलीश हुए हैं, तो उसने ये फाइबर चैनल जो जो सीरियल बेस्ड कम्युनिकेशन कर रहा था उसके अंदर एडवांस एक
मॉडिफिकेशन दी है फाइबर चैनल ओवर ईथरनेट, उसके अंदर यही फाइबर चैनल को आप अपने फाइबर चैनल ओवर ईथरनेट कैपेबल स्विच पे लगा दो और आपका सर्वर के पास से सिर्फ एक ही लिंक गुजर रहा होगा और जो आपकी सैन से कनेक्ट होगा, तो आप वो एक ही स्विच के ऊपर सैन भी कनेक्ट कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। जिस तरह अभी आपको याद है मेरे पिछली डायग्राम में रेड कलर से सैन कनेक्ट की हुई थी और ब्लू कलर से, अगर कलर ये मुझे सही से याद है, तो हमने नेटवर्क कनेक्ट किया हुआ था। मगर ये फाइबर चैनल ओवर ईथरनेट की क्या कैपेबिलिटी है कि वो दोनों चीज़ें कनेक्ट कर सकता है, वो सैन को भी कनेक्ट करेगा और फाइबर चैनल को भी, फाइबर को भी कनेक्ट करेगा, ठीक है। यानी सारे के सारे जो दो नेटवर्क्स हो रहे थे दोनों मर्ज होके एक में आ गए, ठीक है। तो लोग कहते हैं यार ये जिस तरह इनिशियली आपसे 15-10 साल पहले वॉइस ओवर आईपी पे बात हो रही थी, वी कैन नॉट सेंड वॉइस ऑन द नेटवर्क, नेटवर्क में डिलेज होती है और ये मसला होता है। इसी तरह जब स्टोरेज को नेटवर्क पे रखा जाने लगा अब से 4-5 साल पहले, जब फाइबर चैनल ओवर इंटरनेट की बात हुई, तो लोग कहते थे नहीं यार ये तो स्टोरेज ऑन द नेटवर्क नो वे, इट कांट गो अहेड और ब्ला 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 स्टफ। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है कि आपके नेटवर्क के अंदर, हम लोगों को तो यही आइडिया था ना कि नेटवर्क अपने कंप्यूटर के अंदर एक केबल निकल रही होती है जो मेरे ख्याल में 1-1.5 फीट की होती है और वो आपकी हार्ड ड्राइव में जा रही होती है, अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी पैकेट लॉस आ जाए तो वो कम्युनिकेशन आपका डेटा जो ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज हो रही होती है इन तमाम डिवाइसेस पे, ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज होती है, फाइल बेस्ड स्टोरेज नहीं होती। तो वो डिस्टर्ब हो जाए तो बहुत मसला हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए नेटवर्क के अंदर बहुत सारे TCP और इस तरह की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए उन्होंने फाइबर चैनल ओवर इथरनेट का स्टैंडर्ड बनाया, इस सॉर्ट ऑफ अ प्रोटोकॉल दैट वर्क्स ऑन इट। इसी तरह जिस तरह ये iSCSI है ये इथरनेट के ऊपर चलती है, तो इसका ऑर्डर iSCSI का सेम, ठीक है। तो इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉल्ड LUN, लॉजिकल यूनिट नंबर। तो ये अगर आपके पास ये सैन लगी हुई है तो सैन के अंदर अब बहुत सारी स्टोरेज है, ठीक है। अब इस स्टोरेज को आपने मैनेज करने के लिए आप कहते हो कि से मैंने कहा मैंने इस हार्ड ड्राइव का ये पोर्शन और इस हार्ड ड्राइव का ये पोर्शन इस सर्वर को एलोकेट करना है, फिर इधर एक और सर्वर लगा हुआ है, ठीक है, उसको हमने ये वाला पोर्शन मैनेज करना है, इसके लिए हम लॉजिकल यूनिट नंबर का नाम देते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि उसने एक पैराग्राफ में थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को कम्युनिकेट करवाने के लिए, इन सारी चीज़ों को आपस में iSCSI सैन की अब हम बात करें, iSCSI सैन से कम्युनिकेट करवाने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने एक्चुअली एक स्टोरेज के साथ कनेक्ट करना होता है। विंडोज 2000 के अंदर आपके पास iSCSI कनेक्टर, iSCSI कनेक्टर मिल जाता है आपको, ठीक है। तो अगर आपने सर्वर से कोई स्टोरेज अटैच करनी है और आपने कहना है कि सर्वर का जो से फॉर एग्जाम्पल मैं इसे फाइल सर्वर बना रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई 550 TB का डाटा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस सर्वर का एक कनेक्टर बनाऊँगा और इस सर्वर के जरिए इस स्टोरेज को पब्लिश कर दूंगा टूवर्ड्स माई नेटवर्क। तो अगर नेटवर्क में किसी बंदे ने उधर से डाटा एक्सेस करना है तो वो एक्चुअली सर्वर के पास आ रहा होगा, मगर इनडायरेक्टली सर्वर इसको डाइवर्ट करके इस सैन स्टोरेज के पास भेज रहा होगा, ठीक है। दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जब हम ये सारा iSCSI से कनेक्ट करेंगे तो इसका ऑर्डर iSCSI सैन कहलाएगा, ठीक है। आपकी बुक ने इससे आगे इसको डिस्कस नहीं किया कि मैंने iSCSI सैन से कनेक्ट कैसे होना है, क्योंकि उसके लिए आपके पास सैन होनी लाजमी है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ ज़्यादा शौक है एक स्टेप एक्स्ट्रा जाने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि देर आर टू सॉफ्टवेयर जो मुझे पता है और भी बहुत सारे होंगे कि सैन के एनवायरनमेंट को सिमुलेट किए कैसे किया जा सकता है। वन इज़ कॉल्ड, ये थोड़ा रियल टाइम एनवायरनमेंट है क्योंकि ये रियल टाइम एनवायरनमेंट में यूज़ होता है, इज़ कॉल्ड ओपन फाइलर, ठीक है। ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके सैन के साथ आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अदर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड स्टारविंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अभी आपको ओपन फाइलर सॉफ्टवेयर के अंदर लेके जाऊँगा। ये मैंने क्या किया, ओपन फाइलर डाउनलोड किया, ठीक है। ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और से कुछ ऐसी सी डायग्राम है, मैं एक दफ़ा डायग्राम बना दूँ। ये मेरे पास सर्वर है और इसके ऊपर मुझे कोई ना एक ड्राइव चाहिए जिसके ऊपर बहुत सारा डाटा रख सकूँ मैं, ठीक है। ये मैंने एक ड्राइव बनाई और उस पर बहुत सारा डाटा रख सकूँ। अब मैंने ये ड्राइव जो है मेरे सर्वर में नहीं है, ठीक है, क्योंकि सर्वर में अगर ड्राइव है सर्वर को आग लग गई तो ये तो फारिग हो जाएगी ना। तो मैंने कुछ ऐसी वर्चुअली यहाँ पे ड्राइव पड़ी हुई है, मगर एक्चुअली वो मेरे सर्वर से निकल के नेटवर्क पे जाके, ठीक है, एक रैक है और उसके अंदर हार्ड ड्राइव्स लगी हुई है, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है हार्ड ड्राइव का सिंबल क्या होता है, जस्ट इन केस। और मैं वहाँ पे लॉजिकल यूनिट नंबर के तहत
एक या दो वॉल्यूम्स बना देता हूँ और मैं कहता हूँ ये वॉल्यूम जो से है ना, ये वॉल्यूम जो से हैं इनका से नंबर है 110, ठीक है। और मैं फिर इस कंप्यूटर पे आके, ठीक है, कंट्रोल पैनल में, ये कंप्यूटर कैन बी विस्टा मशीन एज वेल, विस्टा में भी ऑप्शन होता है आपके पास, ठीक है। iSCSI कनेक्टर, ISCSI iSCSI कनेक्टर को यूज़ करते हुए मैं ये जो यूनिट मैंने अपने लिए एलोकेट किए हुए हैं, ये सारे के सारे यूनिट को इसके ऊपर मैं फिर सिक्योरिटी भी लगा सकता हूँ। ये फाइबर चैनल वाली लिमिटेशन है, इस पर मैं IPsec भी लगा सकता हूँ। मैं इस पर ये लिमिटेशन भी लगा सकता हूँ, इस हार्ड ड्राइव को सिर्फ यही IP एक्सेस कर सके, MSChap ऑथेंटिकेशन भी लगा सकता हूँ, बट दैट्स द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस थिंग, ठीक है। और ये इसके साथ कम्युनिकेट कर सके, बजाहिर ये इसके पास एक छोटी सी हार्ड ड्राइव बनी, एक छोटी सी नहीं, एक काफ़ी बड़ी हार्ड ड्राइव बनी हुई नज़र आ रही होगी। जब यूज़र एक्सेस करेगा तो उसको यही समझ आएगी कि जैसे ये हार्ड ड्राइव इससे कनेक्टेड होगी, मगर इसका iSCSI का कनेक्टर आपको इस सेंस से कनेक्ट कर रहा होगा, ठीक हो गया। तो इसको इसको थोड़ा सा इन डेप्थ, ये अगर आपको समझ नहीं आ रही तो इस द बियॉन्ड ऑफ स्कोप ऑफ दिस थिंग, आपको पता होना चाहिए डैश क्या होती है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज लिमिटेशन क्या है कि वो क्लस्टरिंग और इस तरह के फीचर्स नहीं प्रोवाइड करती, नेटवर्क अटैच स्टोरेज नेटवर्क पे टोटली बेस्ड कर रही होती है, ठीक है। फिर सैन के अंदर फाइबर चैनल सैन और iSCSI सैन है, फाइबर चैनल सैन क्या होती है जिसमें फाइबर एक्सपेंसिव सोल्यूशन HBAs की बात हो रही है, ठीक है। और iSCSI सैन क्या होती है, iSCSI सैन क्या होती है, जो आप लोगों को iSCSI के प्रोटोकॉल को, आप iSCSI के प्रोटोकॉल को ओवर द इथरनेट आप जब रन करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड iSCSI, और इसके लिए डिस्टेंस की लिमिटेशन नहीं है एज़ फार एज आपका लिंक, आपका नेटवर्क जो सा स्टेबल है, ठीक है। तो ओपन ओपन फाइलर जो सा है, ओपन फाइलर जो सर्वर है वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है एक VM मशीन के ऊपर, इस लाइनिक्स बेस्ड सर्वर, ठीक है। ओपन सोर्स स्टोरेज मैनेजमेंट, ये स्टोरेज मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है। तो ओपन फाइलर, और इसका पासवर्ड बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है, ठीक है। और जब आप इसके अंदर चले जाते हो तो ये आपको बता रहा है कि ये आपके सिस्टम की IP एड्रेसेस हैं, बियॉन्ड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस होल स्टोरी, ठीक है। ये सिर्फ आपके थोड़े इंटरेस्ट के लिए कि आपको समझ आ जाए। आप समझो ये एक ऐसा बॉक्स है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टोरेज है, ये टेराबाइट्स ऑफ टेराबाइट्स, और मैं अपने नेटवर्क के सारे सर्वर इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। जो सर्वर्स डाटा स्टोर कर रहे हैं वो एक्चुअली इस सर्वर पे स्टोर हो रहा है, और इस सर्वर को थोड़ी देर बाद मैं उठा के रेप्लीकेट कर रहा हूँ दुनिया के 4 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में। दिस इज़ हाउ द डाटा सेंटर्स एंड दीज स्टोरेज सिस्टम्स वर्क। इसके अंदर मैंने वॉल्यूम्स बनाए हुए हैं, ठीक है, और फिर वॉल्यूम्स के ऊपर फर्दर आप कोटाज वगैरह और ये सारा कुछ डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ये वॉल्यूम ग्रुप 1 बनाया हुआ, और इसको मैंने कोई 101248 MB जो सी स्पेस दी हुई है, ये एक्चुअली मेरी मशीन पे, और इसमें फिर दो वॉल्यूम्स बनाए हुए हैं 200 MB के, ठीक है। तो ठीक हो गया। तो इसके अंदर फिर सर्विसेज वगैरह हैं, कोटाज हैं, कोटा यानी आप इसके ऊपर लिमिटेशन लगा सकते हो, ठीक है, कौन कितना डाटा स्टोर कर सके, ठीक है। फिर फर्दर इसके अंदर जो सा सर्विसेज का ऑप्शंस है कि मैंने सर्विसेज जो सी आपको iSCSI टारगेट सर्वर सर्विसेज एनेबल करनी पड़ती हैं, ठीक है। आपने एक काम ये करना है कि आई सर्विसेज एनेबल करनी है, और फिर वॉल्यूम्स के अंदर जाके वॉल्यूम क्रिएट करना है, और फिर iSCSI टारगेट, ठीक है। iSCSI टारगेट क्या, कि ये यहाँ से, अब ये जो सर्वर है ये यहाँ से डाटा उठाए और उसको ट्रांसफ़र कर दे दूसरी जगह पे, यानी जिस सर्वर, जो सर्वर इससे कनेक्ट होना चाह रहा है, ठीक है। और इसके अंदर लॉजिकल यूनिट नंबर मैप, ठीक है, ये मैंने जो सा है लॉजिकल यूनिट नंबर मैप किया हुआ है, और ट्रांसफर मोड इज़ द ब्लॉक IO, फाइल बेस्ड IO भी हो सकती है और ब्लॉक बेस्ड भी हो सकती है, ब्लॉक बेस्ड इज मच मोर बेटर, ठीक है, और मैप कर देते हैं, ठीक है। तो ये लॉजिकल यूनिट नंबर जो सा आपका मैप हो गया, और इसको आप अब रिमोटली कनेक्ट करोगे, ठीक है। इसके ऊपर आप नेटवर्क ACL भी लगा सकते हो कि अगर आपने रिस्ट्रिक्शन लगानी है, और उसके बाद चैप ऑथेंटिकेशन, चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हो, मगर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दीज टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। ये एक्चुअली फिर मुझे बता रहा है कि मेरे पास और कितनी स्टोरेज पड़ी हुई है, कैपेसिटी कितनी है, कितनी मैं यूज़ कर सकता हूँ, कितनी नहीं, ठीक है। एनीवे, जब आप ये काम कर लेते हो तो फिर आपने अपने सर्वर के अंदर जाना होता है, ठीक है। ये आपका सर्वर है, ठीक है, जिस पे आपको स्टोरेज की ज़रूरत है, और आप इसके अगर कंट्रोल पैनल में जाएं तो आप iSCSI कनेक्टर बना सकते हैं, ठीक है। तो से मैं इसके कंट्रोल पैनल में जाता हूँ, यहाँ पे iSCSI कनेक्टर का ऑप्शन होना चाहिए आपके पास, ठीक है, iSCSI इनिशिएटर, ठीक है। जब आपको क्लिक करोगे ना इसको, तो वो बताएगा कि ये कनेक्टर जो सर्विसेज हैं ये कनेक्ट नहीं हुई हुई, एनेबल नहीं हुई, डू यू वॉन्ट टू एनेबल इट, आप कहोगे हाँ मुझे एनेबल कर दो, ठीक है। और फिर इसके बाद डिस्कवरी, और यहाँ पर आप अपने उस सर्वर का IP एड्रेस दोगे, ठीक है, जिस पे आपकी सैन चल रही है, जो भी सैन का IP एड्रेस दोगे, और आपको जिस तरह मैंने बताया था 3260 जो सी TCP की पोर्ट यूज़ होती है हमारी iSCSI के लिए, ठीक है। और जब आप इसको ओके करोगे तो ये यहाँ पे आके आपके पास कनेक्टेड नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। तो मैं ये
जस्ट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है? उसके बाद जब आप अपने डिवाइस मैनेजर में जाओगे, ठीक है, सर्वर मैनेजर में जाओगे, जब आप डिस्क मैनेजर के अंदर जाओगे, तो ये आपके पास डिस्क आ रही है। देखो 224 MB का मैंने वॉल्यूम बनाया था जो उसको मैप किया था, और ये मेरे पास नज़र आ रहा है, ठीक है? मगर ये ऑफलाइन है, मैं इसको ऑनलाइन करूंगा और मेरे पास कनेक्ट हो जाएगा। कोई भी डाटा मैं इस पर स्टोर करूंगा वो एक्चुअली स्टोर हो रहा होगा, ठीक हो गया, उस सैन के अंदर यूजिंग iSCSI, ठीक है? तो दैट इज द होल स्टोरी, ठीक है? फिर आप इसको ऑनलाइन करके इनिशियलाइज द डिस्क, और डिस्क इनिशियलाइज यू फॉर्मेट करें और डाटा करें। मैं इसको इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इस लेक्चर के बाद इस सर्वर को डिलीट कर देना, देर इज नो पॉइंट ऑफ मी रनिंग थ्रू दैट वन, ठीक है? तो आपके पास एक एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव नजर आ रही होगी, ये आपकी डिस्क जीरो है जो आपकी ओरिजिनल है। और एक्चुअली स्टोरी ये है कि ये सारा वीएम का मैजिक है एक्चुअली, ठीक है? ये आप टेस्ट कर सकते हो कि किस तरह करना है, मगर रियल एनवायरमेंट में वो वीएम नहीं होगा, आपका एक प्रॉपर सर्वर होगा या आपकी एक स्टोरेज होगी जिसको आप एक्सेस कर रहे होगे, ठीक है? अगर आप कभी माइक्रोसॉफ्ट कह रहा हूँ, HP का, EMC का, EMC2 है मेरे ख्याल में, EMC2, ठीक है? और कौन सी कंपनी है जो स्टोरेज बनाती है, ब्रोकेड स्टोरेज बनाती है, मेरे ख्याल में सिस्को भी स्टोरेज बना रही है, ठीक है? HP भी स्टोरेज बना रही है, ठीक है? आप उनसे स्टोरेज लोगे तो वो आपको, आपके पास प्रॉपर मैनुअल होगा, हर स्टोरेज सॉल्यूशंस को कनेक्ट करने के डिफरेंट वेज हैं, फिर आपने देखना है कि आपने iSCSI बेस्ड कनेक्टिविटी करनी है, जिस तरह मर्जी करनी, ठीक है? तो दैट वॉज अवर होल स्टोरेज स्टोरी, ठीक हो गया? आगे चलते हैं हम, ठीक है? हैप्पी, सेटिस्फाइड? अगर इफ नॉट, तो सिर्फ उसको इसको एक दफा नजर मार लें, इस नथिंग मोर। लेट्स टॉक अबाउट परमिशंस, ठीक है? जब हमारे पास कोई फोल्डर या कोई फाइल हमारे पीसी के ऊपर पड़ी हुई होती है, तो इट नीड्स अ परमिशंस। दैट इज द ब्यूटी ऑफ सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? अगर आप विंडोज 97 98 की बात करें, तो उसके अंदर इतनी इतनी रिस्ट्रिक्टेड परमिशन नहीं होती थी, और फैट के ऊपर पड़ी होती थी, फैट फाइल सिस्टम के ऊपर। मगर उसके बाद विंडोज 94 और फिर फर्दर ऑनवर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम NTFS, ठीक है? NTFS स्टैंड्स फॉर आई थिंक न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है? तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इज अबाउट द शे परमिशंस, ठीक है? कि अगर आपने किसी सर्वर या किसी चीज़ के ऊपर रिसोर्सेज रखने हैं तो उन्हें शेयर करना है, और जब आप शेयर करेंगे तो कौन कौन की परमिशन लगेगी उसके ऊपर, ठीक है? तो देर आर टू टाइप्स ऑफ परमिशन, वन इज कॉल्ड NTFS परमिशन और वन इज कॉल्ड शेयर परमिशन। शेयर परमिशन तब इंप्लीमेंट होती है जब आप किसी सर्वर को, किसी रिसोर्स को रिमोटली एक्सेस कर रहे होते हैं। NTFS परमिशन तब लगती हैं जब आप लोकली एक्सेस कर रहे होते हैं। मगर इसके अंदर अब एक और एडिशन आ जाता है, इस कॉल्ड जब आप किसी चीज़ को रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं और किसी फोल्डर के ऊपर NTFS और शेयर दोनों परमिशन लगी हुई है, तो क्या करेंगे, ठीक है? और ट्रस्ट मी, आपके पास एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है? जब हम NT4 का एग्जाम दे रहे थे, तो उस टाइम तो हमने बड़ा रट्टा मारा था, मगर बाद में समझ आई कि इसको सिर्फ समझने की जरूरत है, ठीक है? से एग्जाम्पल, मैं एक ग्रुप का मेंबर हूँ, ठीक है? मैं सेल्स ग्रुप का मेंबर हूँ, ठीक है? और मैं मैनेजमेंट ग्रुप का भी मेंबर हूँ, ठीक है? और ये एक रिसोर्स है, ये एक फोल्डर है। मैनेजमेंट ग्रुप को इस फोल्डर पे रीड एक्सेस है, और सेल्स को इस पे राइट एक्सेस है, ठीक है? और मैं इन दोनों ग्रुप का मेंबर हूँ, तो जब मैं इस फोल्डर को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, तो मुझे कौन सी परमिशन मिलेगी? मुझे राइट परमिशन मिलेगी, ठीक है? कि मैं इस फोल्डर को राइट कर सकता हूँ, ठीक है, और रीड भी कर सकूंगा, क्योंकि अगर आप राइट कर सकते हो तो रीड भी कर सकते हो, ठीक है? दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव परमिशन, ठीक है? अगर मैं दो ग्रुप्स का मेंबर हूँ, एक को रीड है और एक को फुल कंट्रोल है, तो मुझे फुल कंट्रोल मिल जाएगा, ठीक है? अब आ जाता है ग्रुप के कॉन्सेप्ट को निकाल दिया जाए, ग्रुप के कॉन्सेप्ट को निकाल दिया, ठीक है? अब मैं इस फोल्डर को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे इस फोल्डर के ऊपर दो टाइप की परमिशन है, वन इज कॉल्ड NTFS परमिशन, ठीक है? वन इज कॉल्ड शेयर्ड परमिशन, ठीक है? और NTFS परमिशन ये कहती है कि मैं जो सा हूँ फुल कंट्रोल हूँ, और शेयर परमिशन ये कहती है कि मैं सिर्फ रीड कर सकता हूँ इस फोल्डर को, ठीक है? अब सिर्फ मेरी बात हो रही है, मैं दो ग्रुप्स का मेंबर नहीं हूँ, अब सिर्फ मेरी बात हो रही है, ठीक है? दैट इज़ अ पॉइंट जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है बड़ा कन्फ्यूज हो जाता है, ठीक है? पहले मैं ग्रुप्स की बात कर रहा था, मैं दो ग्रुप्स का मेंबर हूँ, ठीक है? अब बताओ मैं क्या करूँ? अब मैं बात कर रहा हूँ कि मैं एक ग्रुप का मेंबर हूँ और मेरे इस ग्रुप को ये परमिशंस हैं, या मैं अकेला आ रहा हूँ और मुझे ये परमिशंस हैं, ठीक है? तो मुझे कौन सी परमिशन मिलेगी? मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव, मोर नहीं, मोस्ट होना चाहिए यहाँ पे, मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव। मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव परमिशन फुल और रीड में कौन सी है? रीड। तो सिर्फ मैं इस फोल्डर को रीड कर सकूंगा, ठीक हो गया? क्योंकि हायर सिक्योरिटी, ठीक है,
हायर सिक्योरिटी के लिए आपको मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव परमिशंस मिलेगी, ठीक है। और अगर आपके पास कोई डिनाई की परमिशन लगाई हुई है कि मैंने कहा कि ये जो जो स्टूडेंट्स ग्रुप है या वॉलंटियर ग्रुप है, वॉलंटियर मैंने ग्रुप बनाया, वॉलंटियर ग्रुप को मैंने रीड की परमिशन दे दी, ठीक है। एक बंदा था वो वॉलंटियर ग्रुप का मेंबर भी था और वो जो सा है हमारे टीचर्स ग्रुप का मेंबर भी था, ठीक है। और वॉलंटियर ग्रुप कहीं ट्रिप पे गया और उसने कोई ऐसी उल्टा सीधा काम किया जिसकी वजह से कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम बहुत बदनाम हो गया। प्रिंसिपल ने कहा जितने लोग वॉलंटियर ग्रुप्स में हैं, डजेंट मैटर वो प्रिंसिपल है, प्रेसिडेंट है, चांसलर है, स्कूल ग्रुप का मेंबर है, कुछ भी है, उसको इस फोल्डर पे रीड परमिशन हटा दो। तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, वॉलंटियर ग्रुप में जाके और तमाम की रीड परमिशन को डिनाई कर दूंगा और डिनाई परमिशन ओवरराइड एवरीथिंग। अब वो बंदा अगर टीचर्स ग्रुप का मेंबर है जिसे फुल कंट्रोल है, तो असूलन आप सोच रहे होंगे कि फुल कंट्रोल मिलना चाहिए, नहीं, मगर हमने उसकी रीड परमिशन डिनाई की हुई है, तो अगर उसको कहीं से भी डिनाई किया हुआ है तो उसकी तमाम की तमाम परमिशन ज़ाया हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने अगर किसी फोल्डर को शेयर करना होता है तो उसके लिए शेयर एंड स्टोरेज मैनेजमेंट का टूल है, ठीक है। और वैसे भी हम एक और तरीके से भी शेयर कर सकते हैं, आई विल शो यू, ठीक है। और अगर आपको किसी को एज यूजुअल DSA.MSC जिस तरह मैंने बताया था इम्प्रेस करना है, तो इसके लिए स्टोरेज स्टोरेज MGMT, मेरे ख्याल में MGMT.MSC आप लिखोगे तो आप सीधा शेयर एंड स्टोरेज मैनेजमेंट में चले जाओगे। और माइक्रोसॉफ्ट जो सा है वो सर्वर मैनेजमेंट के लिए और शेयर के कंटेंट्स को एक दूसरे को पहुंचाने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज़ करता है, विच इज़ कॉल्ड SMB, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर मैनेजमेंट ब्लॉक 2.0, बल्कि 2008 R2 के अंदर 2.1 प्रोटोकॉल आ गया, जो बहुत और ज़्यादा फास्टर है एज़ कम्पेयर टू 2.0, कि हाउ द फोल्डर्स आर बींग शेयर, ठीक हो गया। तो इसको इसको क्विकली दिखाता हूँ मैं आपको कि ये सर्वर एंड पे कैसे यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। सबसे पहले जब आपने फाइल्स शेयरिंग मैनेजमेंट करनी होती है तो आपने अपने पास एक टूल इंस्टॉल करना होता है, इस कॉल्ड अ फाइल सर्विसेज, ठीक है। तो अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ, एड ए रोल पे जाएँ, ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई हैं कि देर इज़ नो पॉइंट ऑफ एक्सटेंडिंग द लैब। शुरू की लैब्स में मैंने आपको बता दिए थे कि रोल्स कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। और जब मैं नेक्स्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे फाइल सर्विसेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। फाइल सर्विसेज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं अभी आपको ले जा के दिखाता हूँ। ये देखें, फाइल सर्विसेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। अगर मैंने देखना है कि फाइल सर्विसेज के अंदर फर्दर जो चेक बॉक्सेज हैं वो क्या क्या हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो मैं आपको ले जा के दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या कुछ होता है। अगर मैं आपको फाइल सर्विसेज में ले जाऊँ, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई हैं, ठीक है। इधर आपने फाइल सर्विसेज को सिलेक्ट किया, तो जब आप फाइल सर्विसेज में आ जाएं तो ये यहाँ पे आपके पास रोल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर सकता हूँ, या ऐड रोल सर्विसेज, ठीक है। तो फाइल सर्विसेज इंस्टॉल की हुई है जो आपको शेयर फोल्डर को शेयर करने की परमिशन देता है। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फाइल सर्विसेज रिसोर्स मैनेजर, फाइल सर्विसेज रिसोर्स मैनेजर आपको कोटास की परमिशन देता है। आप कहते हैं भैया ये बंदा इस हार्ड ड्राइव के ऊपर 50 MB से ज़्यादा डाटा स्टोर ना कर सके, हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। सर्विसेज फॉर नेटवर्क फाइल, कि अगर आपके नेटवर्क के अंदर कोई यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है तो आप उसको एक्सेस दें कि आपके सर्वर से आके फाइलें शेयर कर सके, क्योंकि उनका जो वे ऑफ फाइल एक्सेस है वो डिफरेंट होता है, तो उसके लिए आपको सर्विसेज फॉर विंडोज़ फाइल सिस्टम चाहिए। विंडोज सर्च सर्विसेज आपकी सर्च को फास्टर करने के लिए यूज़ होता है। विंडोज 2003 फाइल सर्विसेज के अंदर अगर आपने इंडेक्सिंग सर्विसेज इनेबल करनी है तो फिर आपको विंडोज सर्च सर्विस इनेबल नहीं कर सकते, एट अ टाइम आप सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये विंडोज 2003 के लिए इनेबल होता है। और ब्रांच कैश फॉर नेटवर्क फाइल्स, ये क्या करता है कि अगर आप ब्रांच पे हो और आपने अपने हेड ऑफिस से कोई फाइल उठानी है तो वो आपकी फाइल उठा के आपके ब्रांच के सर्वर पे रख लेगा, ताकि आप उसको बाद में अगर ब्रांच में एक्सेस करो तो बार बार वो फाइल ना उठे। इसके लिए मुझे अच्छी तरह याद है 4-5 साल पहले तो प्रॉपर सोल्यूशन सेल होते थे, ठीक है। तो एक्चुअली आज की सिर्फ लैब के लिए मैंने फाइल सर्विसेज और ब्रांच कैश फॉर नेटवर्क सर्विसेज इंस्टॉल की हुई है, क्योंकि ये दैट टू थिंग्स विल बी सफिशेंट फॉर अस टू डू टूडेज लैब, ठीक है। तो फाइल सर्विसेज के जरिए हम किसी फाइल को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस विजिट को मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। और हमने कोई ज़्यादा हाई फाई किस्म का काम नहीं करना आज। आप में से कुछ लोगों को लग रहा हो शायद हाई फाई, आई कांट से इट,
तो जिस तरह मैं अभी से कहता हूँ, मैं अपने सी ड्राइव के अंदर चला जाता हूँ और मैंने कहा मैंने ऑफिस वर्क का या फोल्डर है या रिमोट इंस्टॉल का फोल्डर है उससे जौन सा है शेयर करना है, ठीक है। तो जब आप उस फोल्डर पे क्लिक करते हो तो देखो आपको यहाँ नीचे पे स्टेट शेयर नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको राइट क्लिक करके बताता हूँ, जब भी आप इसको राइट क्लिक करते हो शेयर विद, ठीक है, नोबडी और स्पेसिफिक पीपल, ठीक है, और आप इसको यहाँ से शेयरिंग कर सकते हो। एक तरीका ये है इसे शेयर करने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और शेयरिंग, और यहाँ पे आप परमिशंस लगा देते हो एडवांस शेयरिंग में जाके, ठीक है, सॉरी एडवांस शेयरिंग में सिर्फ हम दूसरी चीज़ सेलेक्ट करते हैं, मैं उस पर वापस आता हूँ, शेयर और यहाँ पे परमिशंस, ये वही चीज़ है जो आप लोग पहले कर रहे थे, ठीक है। रीड परमिशन है, रीड एंड राइट है, रिमूव है, आप अगर किसी को देना चाहते हो, से मैंने कहा एवरीवन, ठीक है, एवरीवन इन द लिस्ट में होता होता है हमेशा, ठीक है। एवरीवन को मैं क्या परमिशन देना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप इसको ऐड कर दो और उसको रीड परमिशन देना चाह रहा हूँ तो मैं रीड कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं शेयर का बटन दबा दूंगा तो एवरीवन कैन शेयर दैट फोल्डर। मैंने अब मगर अभी इस फोल्डर को एवरीवन के लिए शेयर नहीं किया हुआ, ठीक है। एक और चीज़ जो आप कर सकते हो इस कॉल्ड शेयर एंड स्टोरेज मैनेजमेंट, ठीक है। शेयर एंड स्टोरेज मैनेजमेंट आप यहाँ से भी खोल सकते हो। और दूसरा तरीका मैं आपको क्या बता रहा था, स्टोरेज, STOREGMGMT.MSC, ठीक है, स्टोरेज मैनेजमेंट डॉट एम एस सी, और ये भी आपके पास वही चीज़ खोल देगा जो यहाँ पे मैंने अभी ओपन की हुई है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने उसको दो दो कमांड्स दे दी हैं, एक ऑलरेडी खुली हुई है और एक दूसरी खोलने के लिए, तो इस वजह से मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा परेशान हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, दोनों स्नैपिंग एक जैसे हैं, तो मैं एक को बंद कर देता हूँ ताकि सर्वर पे ज़्यादा लोड ना पड़े, ठीक है। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स दिखा रहा है अभी इस टाइम कि एडमिन डॉलर शेयर है, ठीक है। ये एडमिन और सी डॉलर शेयर जो उनसे हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर्स होते हैं, इनके ऊपर आप परमिशन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आपके फिर डिफरेंट शेयर हैं, जिस तरह रिमोट इंस्टॉल और ऑफिस फोल्डर्स के शेयर्स हैं, ठीक है। अगर आप इस शेयर्स की फर्दर परमिशन में जाना चाहते हैं, सॉरी प्रॉपर्टीज़ में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, ठीक है। यूज़र लिमिट के कितने यूज़र इस चीज़ को एक्सेस करें, एक्सेस बेस एन्यूमरेशन, एक्सेस बेस एन्यूमरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस पे मैं अभी वापस आता हूँ। हम पहले एक फोल्डर बनाते हैं और उसको शेयर करते हैं, ठीक है। से मैं गया अपनी सी ड्राइव में और मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना दिया न्यू पब्लिक, ठीक है। अभी मैंने इसको यहाँ पर शेयर नहीं करना, ठीक है, मैं स्टोरेज सोल्यूशन को यूज़ करूँगा, शेयर सोल्यूशंस को, ठीक है, पब्लिक, ठीक है। और मैं वापस अपने सर्वर मैनेजमेंट में गया, शेयर एंड स्टोरेज मैनेजर, ठीक है, और प्रोविजन शेयर, ठीक है, प्रोविजन स्टोरेज, स्टोरेज यूज़ करने के लिए, ठीक है, बार प्रोविजन शेयर, और ये एक सॉर्ट ऑफ मिनी विजर्ड होगा और ये आपसे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा, ठीक है। आपने ब्राउज़ किया, ठीक है, और आप गए पब्लिक फोल्डर में, आपने कहा भैया ये फोल्डर को शेयर कर दो, ठीक है। शेयर करने के बाद आप प्रोविजन स्टोरेज क्या होती है कि आपके पास कोई और स्टोरेज पड़ी हुई यार, आप उसको यूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है, या आपकी हार्ड ड्राइव लगी हुई है या आपकी स्कजी हार्ड ड्राइव लगी है। लाइक अगर मैं यहाँ पे प्रोविजन स्टोरेज का बटन दबाऊँ तो ये मुझे डिफरेंट स्टोरेज सोल्यूशंस में लेके जाना पड़े ले जाएगा, ठीक है। प्रोविजन स्टोरेज जो आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, ऑन स्टोरेज सब सिस्टम जो सेंस के ऊपर लगी हुई है, ठीक है, वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट दैट वन, ठीक है। तो मैं इस विजिट को भी यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, हम सिर्फ अभी फोल्डर को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। डू नॉट चेंज NTFS परमिशन, NTFS परमिशन को चेंज नहीं करना चाह रहे, ठीक है। येस चेंज द NTFS परमिशन, तो आप अपनी NTFS परमिशन लगा सकते हो। NTFS परमिशन क्या होती हैं कि आप किसी फोल्डर को राइट क्लिक करते हो, सिक्योरिटी के टैब में आपको नजर आ जाती हैं, ठीक है। मैं अभी अभी बाई डिफॉल्ट किसी चीज़ को नहीं छेड़ रहा, ठीक है। तो आपने अगर मैनेज परमिशन करनी है तो आप ग्रुप वाइज करते हो। इट इज़ ऑलवेज अ बेस्ट प्रैक्टिस कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कोई नए सेट ऑफ यूजर्स आ जाते हैं, ठीक है, आपने बैठ के यूजर सेग्रीगेट करने हैं। एक्टिव डायरेक्टरी परमिशन या डोमेन परमिशन ऐसे काम नहीं करती कि आप सुबह उठे और आपने परमिशन लगानी शुरू कर दी, ठीक है। इट नीड सम टाइम, ठीक है, एंड प्लानिंग, ठीक है। तो NTFS परमिशन को मैं कहता हूँ नहीं चेंज करो। फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ, और शेयर का नाम क्या रखना है, ठीक है, शेयर का नाम क्या रखना है। मैंने कहा शेयर का नाम पब्लिक ही रख दूँ, मैं इस शेयर का नाम कोई भी रख सकता हूँ। और शेयर का पाथ क्या है, server1/public, ये याद रखना है आपने, क्योंकि अभी हम जब मशीन पे जाएंगे, क्लाइंट मशीन पे, तो वहाँ क्लाइंट मशीन से मैं एक्सेस करूँगा, ठीक है। तो अगर आपने NFS इंस्टॉल किया होता,
तो आप NFS भी कर सकते हो, ठीक है, NFS भी यूज़ कर सकते हो फॉर द लाइनक्स शेयर, ठीक है। SMB सेटिंग, ठीक है, कि आप अब इसके ऊपर मैक्सिमम अलाउड यूज़र कितना रखना चाह रहे हो, ठीक है, कि मैक्सिमम कितने यूज़र इस फाइल को एक्सेस कर सके। मैंने कहा मैक्सिमम अलाउड जो मर्जी कर दो, ये पुराने ज़माने की बातें हैं, जब नेटवर्क 10 Mbps का होता था और हम परेशान होते थे कि कितना डाटा भेजना है, ठीक है। अब तो हम वर्चुअल सर्वर्स और एक की जगह लोड बैलेंसिंग भी लगा देते हैं, तो वी डोंट केयर। एनेबल एक्सेस बेस्ड एन्यूमरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये होता है कि अगर किसी बंदे को, अगर एक मेन फोल्डर है उसके अंदर 5 फोल्डर्स पड़े हुए हैं और एक बंदे को सिर्फ उन 5 फोल्डर्स में से सिर्फ 2 फोल्डर्स की परमिशन है, 3 की नहीं है, तो मैं चाहता हूँ वो उसे फोल्डर दिखाई ना, विजिबल ही ना हो, ठीक है। तो दैट इज दिस परमिशन। कैशिंग की परमिशन क्या है, कि मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा रिमोट बैठा हुआ है तो वो जो फोल्डर है वो डाउनलोड होकर उसके पास चला जाए, ठीक है, और वो उसमें चेंजेस करे, अगले दिन दोबारा वो नेटवर्क पे आए, अपनी केबल प्लग इन करे और वहाँ से सिंक्रोनाइज कर ले। ये हमारा अगला टॉपिक है, अभी हम इसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। एनेबल एक्सेस बेस्ड एन्यूमरेशन, मैं इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन पब्लिक शेयर, दिस इज पब्लिक फोल्डर, ठीक है, यू कैन एक्सेस इट विदाउट एनी fear of prosecution। मुझे नहीं पता प्रोसिक्यूशन की स्पेलिंग ठीक है या नहीं, ठीक है। सो एनीवे, तो हम आगे गए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि शेयर परमिशंस, ठीक है, अब शेयर परमिशंस क्या है, ऑल यूजर्स इन द ग्रुप हैव अ रीड ओनली एक्सेस, ठीक है, पब्लिक फोल्डर है, मैं चाहता हूँ सबको रीड ओनली एक्सेस दे दूँ। अगर आपने कोई फर्दर देनी है तो फिर दे सकते हो एडवांस परमिशन, अगर आप चाहते हो कि एडमिनिस्ट्रेटर को फुल कंट्रोल हो, बाकी यूजर्स को रीड ओनली एक्सेस हो, तो आप ये दे सकते हो, ठीक है। तो मैं आई विल गो विद दैट वन, एडमिनिस्ट्रेटर हैव फुल कंट्रोल, ऑल अदर यूजर ग्रुप हैव अ रीड ओनली परमिशन, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कोई रीड एंड राइट कर सके तो आप उनको वो भी दे सकते हो, ठीक है। DFS नेमिंग पब्लिकेशन अगला टॉपिक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिव्यू सेटिंग एंड क्रिएट अ शेयर एंड क्रिएट, ठीक है, ये हमारा शेयर बन गया है, ठीक है। अब अगर मैं आपको लाइनिक्स अपने ये Windows 7 वाले सिस्टम पे लेके जाऊँ तो वो आपको वहाँ पे नज़र आ रहा होगा। और दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको अगर रिफ्रेश करें तो ये देखें, ये आपके पास पब्लिक फोल्डर नज़र आ गया, ठीक है, ये आपका पब्लिक फोल्डर है और आप इसको अब देख सकते हो कि कौन कौन इस चीज़ को एक्सेस कर रहा है। अगर आप मैनेज सेशंस में जाएं तो आपको दिखाएगा कि किस किस बंदे ने आपके किसी कनेक्शन को एक्सेस किया हुआ है, ठीक है। तो किसी ने, ये सर्वर 1 ने इस किसी चीज़ को कनेक्ट किया हुआ है, मैं अगर इसका सेशन क्लोज करना चाहूँ तो क्लोज कर सकता हूँ। मैनेज ओपन फाइल्स, किसी ने कोई फाइल ओपन की हुई है तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से कि किस किस बंदे ने कौन कौन सी फाइल ओपन की हुई है। लाइक आपने एक सीक्रेट फाइल बना दी और आपने कहा डू नॉट टच इट, ठीक है, और आप देखना चाहो कि किसी ने उसे ओपन किया है तो आप यहां से बैठ के देख सकते हो। लाइक मैं अभी जरा अपने वो Windows 7 अल्टीमेट वाली मशीन में जाता हूं, ठीक है जी। मैं अपने सर्वर ने क्लाइंट मशीन में आ गया Windows 7 अल्टीमेट में, और यहाँ पे मैं सर्वर के लॉगिन से आया हूँ, मेरे पास एक यूज़र अकाउंट था सर्वर, उससे मैं लॉगिन हुआ हूँ, ठीक है। और मैं अब यहाँ से अगर देखना चाहूँ कि मेरे सर्वर 1 का जो शेयर था वो क्या था, तो मैं यहाँ पे रन में जाके \\ सर्वर का नाम, \\ पब्लिक, ठीक है, और ये आ रहा है पब्लिक का फोल्डर, ठीक है। मैं जब इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये मेरे पास पब्लिक का फोल्डर आ गया। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि क्या मैं एक फोल्डर बना सकता हूँ, जिधर तक मुझे याद है कि ये यूज़र जो सा है वो एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर है, इस वजह से ये यहाँ पे एक फोल्डर बना सकता है, ठीक है। अगर मैं सर्वर में जाऊँ और मैनेज ओपन फाइल्स को करूँ तो ये देखो मुझे दिखा रहा है कि पब्लिक के फोल्डर को एक्सेस किया हुआ है किसने, किस यूज़र ने, यूज़र नेम सर्वर ने, और वो उसको रीडिंग मोड में ओपन किया हुआ है उसने, ठीक है, से वो राइट भी कर रहा है तो, ठीक है। और लॉक्स, आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू मोर डिटेल्स, क्योंकि अगर आप में से किसी ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हुआ है तो उसको पता होगा कि ये लॉकिंग कैसे काम करती है, ठीक है, डेड लॉक्स। और वो अगर आपको अच्छी तरह याद है, फिलोसफर्स डाइनिंग टेबल मैंने डिस्कस किया था CCNA की सीरीज में, इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है, डेड लॉक्स को अवॉइड करने के लिए। तो अगर कोई किसी फाइल के ऊपर राइट कर रहा है तो उसने लॉक लगाया होता है,
ठीक है, दिस इज अवर शेयर परमिशन और ऑल दो स्टफ। अगर मुझे एक चीज़ बतानी, आपको याद नहीं रही कि अगर आपने किसी फोल्डर के ऊपर NTFS परमिशन लगानी है तो आपने उस फोल्डर को राइट क्लिक करके सिक्योरिटी में जाते हैं, दीज आर NTFS परमिशन, ठीक है, और दीज आर शेयरिंग परमिशन, ठीक है, जिसमें आप शेयर का बटन दबाते हो और फर्दर परमिशन लगाते हो, ठीक है। तो अगर आपने किसी फोल्डर के ऊपर NTFS और शेयर परमिशन दोनों लगाई हुई है तो मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव परमिशन लगेंगी, ठीक हो गया। तो वापस अपने लेक्चर पे जाते हैं, हमने शेयर परमिशंस देख ली, NTFS परमिशंस देख ली। अगर एक बंदा दो ग्रुप्स का मेंबर है और उसको एक्सेस कर रहा है तो एक्यूमुलेटिव परमिशन जो हायर प्रिविलेजेस वाली होती हैं वो लग जाती हैं। मगर अगर किसी फोल्डर के ऊपर NTFS और शेयर परमिशंस हैं, ये डिफरेंट डायमेंशन है, माइंड दैट दिस इज डिफरेंट डायमेंशन। अगर एक बंदा एक ग्रुप का मेंबर है और वो ग्रुप उसे उस फोल्डर पे एक्सेस देता है, मगर फोल्डर पे दो टाइप्स की परमिशन लगेंगी, NTFS और शेयर, तो मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव परमिशन लगेंगी। अगर मैं किसी दो ग्रुप्स का मेंबर हूँ, ठीक है, और उन दोनों ग्रुप्स को एक फोल्डर के ऊपर दो परमिशन हैं, एक को रीड है एक को राइट है, तो मुझे राइट परमिशन मिलेगी। डोंट गेट इट कन्फ्यूज, प्लीज डोंट गेट इट कन्फ्यूज, ठीक है। इसके बेस्ट तरीके प्रैक्टिस करें, अगर आपको नहीं समझ आती तो चेंज द परमिशन एंड डू इट, ठीक है। ऑफलाइन फाइल्स, ऑफलाइन फाइल इज़ अ वेरी गुड फीचर, ठीक है, ठीक है। ऑफलाइन फाइल्स क्या होती हैं कि से मैं, मेरा ये एक हेड ऑफिस है, ठीक है, और हेड ऑफिस में ये एक कोई बड़ा सारा सर्वर पड़ा हुआ है और इस पे बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, थीके? और मैं जो सा ना, मैं रोज़ आता हूँ हेड ऑफिस के टॉप फ्लोर में बैठता हूँ, मैं एग्जैक्टिव हूँ, ठीक है, तो आई विश आई एम, ठीक है। तो ये मेरा डेस्क है और मैं इस पे आके रोज़ लैपटॉप खोल के बैठता हूँ और काम करता हूँ, ठीक है। मगर मेरा कोई काम ऐसा सा है कि मुझे ना बड़ी फाइल्स ओपन करके और उनमें एडिटिंग करनी होती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार जब मैं घर चला जाऊँ, ठीक है, मैं अगले दिन ऑफिस से नीचे उतरा, दिल नहीं था, गाड़ी में बैठा, ठीक है, और ये मेरी गाड़ी है, ठीक है, धुआं निकल रहा है उसमें, ठीक है। एनीवे मैं घर आ गया अपने, ठीक है, बचपन की ड्राइंगें याद आ गई, ठीक है, मैं घर आया, घर आके अब मैं उसे फाइल को अगर खोलना चाहूँ तो नहीं एक्सेस कर सकता, ठीक है। आई नो आप में से बहुत सारे लोग ऐसी बात करेंगे, रिमोट एक्सेस सॉल्यूशंस एंड ब्ला ब्ला। अगर ये फाइल ही 1 GB की है, ठीक है, GB बड़ा बी से होते हैं, ठीक है, तो इस अ बिग थिंग, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं वो फोल्डर उस बंदे के लिए शेयर करूंगा और वो शेयर अवेलेबल करूंगा उसके लिए ऑफलाइन, कि जब वो नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाए तो वो शेयर जो है उसकी हार्ड ड्राइव में शेयर रहे वो फाइल, और जब वो अगले दिन आके अपने नेटवर्क पे कनेक्ट करे तो उसको पता चले कि हाँ भैया वो ये काम कर सकता है, ठीक है। तो वो जो फाइल जो उसने घर में जाके चेंज की होगी वो सिंक्रोनाइज होगी और सर्वर पे उस फाइल को अपडेट कर देगी, ठीक हो गया। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का ऑफलाइन फोल्डर का फीचर और सिंक सेंटर यूज हो रहा होता है, ठीक है। और इसको हम देखते हैं, ठीक है, और अगर मैं वापस अपने सर्वर में जाऊं, ठीक है, और सर्वर में जाके एक फोल्डर लेता हूं से ऑफिस वर्क का, ठीक है, उसको राइट क्लिक करता हूं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में जाता हूं, शेयरिंग में जाता हूं, शेयर करता हूं, और मैंने कहा जी एवरीवन कैन रीड इट और एडमिनिस्ट्रेटर्स को जो सा है वो रीड राइट कर सकें, ठीक है। और एडवांस शेयरिंग में जाके मैं उसे कहता हूँ कैशिंग, ठीक है, ओनली द फाइल एंड प्रोग्राम दैट यूजर स्पेसिफाई आर अवेलेबल ऑफलाइन। अगर मैं कहूँ कि भैया ये मुझे ऑफलाइन अवेलेबल कर दो तो मुझे अवेलेबल कर दें, ठीक है, ये मेरी डिस्क्रिप्शन पर है, ठीक है। नो नो फाइल्स और प्रोग्राम फ्रॉम द शेयर फोल्डर आर अवेलेबल ऑफलाइन, जो सीक्रेट शेयर्स होते हैं ना, कि भाई मैं चाहता हूँ कि वो अब पता चले अपनी हार्ड ड्राइव पे शेयर कर ले, कल को जाए लैपटॉप उसका चोरी हो जाए, उस पर इंक्रिप्शन नहीं है तो कोई खोल के उसके टेम्प फोल्डर से वो निकाल सकता है, ठीक है। तो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ परमिशन आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने उसको कहा कि अगर यूजर कहता है तो उसको अलाउ कर दे, ठीक है। ये एक और जगह है जहाँ से आप उसको लिमिट करते हो नंबर ऑफ यूजर्स के हिसाब से, ठीक है, कि कितने साइमल्टेनियस यूजर्स हों, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर कोई कमेंट्स भी देना चाहते हैं तो कमेंट दे दें जी, माई माई ऑफलाइन फाइल्स, या मैं कहता हूँ IT ऑफलाइन फाइल्स, ठीक है, अप्लाई कर देता हूँ, ओके करता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये अब फाइल सॉर्ट ऑफ हो गई है, शेयर हो गई है, ठीक है, और इस पे मैंने ऑफलाइनिंग एनेबल कर दी है। अब इसके बाद
मैं इधर से इधर सर्वर एंड पे मैंने अभी कुछ नहीं करना, मैं अब क्लाइंट एंड पे जाता हूँ, ठीक है, वही मेरी विंडोज़ अल्टीमेट वाली मशीन, ठीक है, और मैं उसमें से एक जो वो फोल्डर है, ठीक है, ऑफलाइन वाला, उसकी ड्राइव मैप करवा दूंगा अपने पास, ठीक है, वो एज अ ड्राइव लेटर शेयर हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं बैक स्लैश सर्वर वन करके एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास तमाम शेयर्स आ जाते हैं जिनको मुझे देखने की परमिशन है, ठीक है, ये ऑफिस वर्क है। और ये देखो जब मैं इसके ऊपर अपना माउस ओवर अप करता हूँ तो वो आई टी ऑफलाइन फाइल्स आ रहा होता है, मैं इसको राइट क्लिक करूँ और मैं इसे कहूँ मैप नेटवर्क ड्राइव, ठीक है, मैं कहता हूँ मैप एज अ नेटवर्क ड्राइव, ठीक है, और इसको एज अ जेड ड्राइव मेरे पास शेयर करे, और मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, ये मेरे पास एज अ जेड ड्राइव शेयर हो जाती है, ठीक है, ये जेड ड्राइव, ठीक हो गया, ये मेरे पास जेड ड्राइव है। मैं भी जब भी कोई जेड ड्राइव पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास तीनों के तीनों फोल्डर्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब मैंने इसको अगर राइट क्लिक करूँ और ऑलवेज अवेलेबल ऑफलाइन, ठीक है, मैं कहता हूँ मेरी जेड ड्राइव में जितने डाटा है ना सारे का सारा जो है वो शेयर हो जाए, ठीक है, मेरे पास ऑफलाइन में आ जाए, हार्ड ड्राइव में मेरे टेम्प फोल्डर में आ जाए, मगर ये देखो कंप्लीटेड प्रिपेयरिंग फाइल्स सो दे आर ऑलवेज अवेलेबल ऑफलाइन, और मेरे पास एक एरर आ गया, और वो एरर देखने के लिए मुझे सिंक सेंटर जाना पड़ेगा, ठीक है, मैं सिंक सेंटर जाता हूँ। और ये देखो ये रियल टाइम ट्रबल शूटिंग होती है, दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट नॉन स्क्रिप्टेड बाय एनी अदर प्रोसेस। किसी और बंदे ने जो है ना वो डॉक्यूमेंट टू डॉट टेक्स्ट ओपन किया हुआ है, इसीलिए वो मेरे पास डाउनलोड नहीं हो सका, ठीक है। ये सिंक सेंटर एक ऐसी जगह होती है जो आपको दिखा रही होती कि कहाँ कहाँ सिंक्रोनाइजेशन हो रही है, ठीक है, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और आई विल फाइंड आउट कि किसने वो डॉक्यूमेंट जो सा है ओपन किया हुआ है, ठीक है, और अगर किसी ने ओपन किया हुआ है तो मैं उस डॉक्यूमेंट को क्लोज करता हूँ। एनीवे वो मुझे अभी तक सोल्यूशन नहीं मिला कि वो डॉक्यूमेंट टू कहाँ पर है, मेरे ख्याल में वो जो नीचे लैपटॉप पे जिस पे ये सारे वीएम चल रहे हैं उसमें से मैंने कहीं ओपन करके किया हुआ है, सो वी विल लीव इट देयर, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जेड ड्राइव मैप होगी और मैंने इसे कहा कि ये अब ऑफलाइन होके मैंने डाउनलोड की भी है, ठीक है। अगर मैंने सिंक सेंटर में जाना है तो मैं ऑल्ट एफ करता हूँ, ठीक है, टूल्स में ओपन सिंक सेंटर, ओपन सिंक सेंटर जो है ना वो आपको सारा कुछ दिखा रहा होता है, सिंक्रोनाइजेशन फेल्ड, और आपको पता है वो क्यों फेल हुई है कि एक एरर आया हुआ है, ठीक है, आई विश के सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो जाए उसको, अब मुझे टेंशन रहेगी, तो उससे बचने के लिए मेरी टेंशन को कम करने के लिए मैं एक काम क्या करता हूँ कि मैं एक और ड्राइव मैप कर लेता हूँ, सर्वर सर्वर वन, ठीक है, और इससे रिमोट इंस्टॉल का जो फोल्डर है, रिमोट इंस्टॉल के फोल्डर में कोई बड़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, रहने दो, तो मैं क्या करता हूँ मैं पब्लिक के फोल्डर के अंदर एक फाइल बना देता हूँ, फर्स्ट फाइल, आई होप उसने राइट किया, फर्स्ट फाइल, ठीक है, इसको कंट्रोल एस करता हूँ और अब मैं इस फोल्डर को मैप कर लेता हूँ, ठीक है, पब्लिक के फोल्डर को मैंने मैप किया, ठीक है, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि पब्लिक के फोल्डर को मैप किया जाए, तो वजह यह है कि उसको सब छेड़ रहे होंगे, ठीक है, और अब मैं इसके वाई फोल्डर को भी मैं कहता हूँ ऑलवेज अवेलेबल ऑफलाइन, ठीक है, और उसने देखो उसकी तमाम फाइल्स को उठाया और अपने सिंक सेंटर में रख लिया, यानी ये फाइल्स मेरे पास अब टेम्परेरी फोल्डर्स में सेव हो रही हैं, ये अभी एक एरर आ रहा है तो आप इसको परेशान ना हो, ये फाइल नंबर टू का आ रहा है, ठीक है। व्यू सिंक कॉन्फ्लिक्ट, आपके अगर सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं और उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो वो दिखाएगा, ठीक है, और मैनेज ऑफलाइन फाइल्स, दिस इज द मेन एरिया, अगर आपके पास ये राइट क्लिक करके ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा तो इसका मतलब है ये ऑफलाइन डिसेबल हुई है, ठीक है। ओपन सिंक सेंटर, के सिंक सेंटर के अंदर कौन कौन सी फाइलें मैंने वो की हुई हैं, सिंक की हुई हैं, तो वो मुझे दिखा रहा है कि पब्लिक का सिंक कंप्लीट हो गया और इसका सिंक कंप्लीट नहीं हो सका, उसकी वजह ये है कि वो फाइल टू कहीं पे ओपन हुई हुई है, ठीक है। व्यू योर ऑफलाइन फाइल्स, ठीक है, अगर मैंने कोई अपनी ऑफलाइन फाइल्स देखनी है तो वो मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है, कि वाई ड्राइव की जो से है वो न्यू फोल्डर और ये न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है, और अगर मैंने और दूसरी देखनी है तो ये फाइल्स हैं और ये टू नंबर फाइल का कोई मसला है, मैं गुस्सा आ रहा है तो मैं इसको डिलीट ही कर दूँ, ठीक है, ठीक हो गया।
तो ये एक्चुअली फाइल्स जब मैंने ऑफलाइन को क्लिक किया तो इसने उठाई और मेरे पास टेम्प फोल्डर में रख ली, और मैं अब अपना नेटवर्क की केबल अनप्लग कर दूं तो ये मेरे पास पड़ी रहेंगी और मैं इन पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं डिस्क की यूजेज करूँ तो ये देखो मेरे बता रहा है कि मेरी हार्ड ड्राइव पे उसने इतनी जगह यूज़ की हुई है और टेम्परेरी फाइल्स ने इतनी जगह ली हुई है। अगर मैं चाहूँ चेंज लिमिट करना तो मैं इसकी लिमिट चेंज कर सकता हूँ, एडजस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है, कि ऑफलाइन फाइल्स जो सी हैं मेरे पास आके मेरी हार्ड ड्राइव पे कितनी जगह ले, ठीक है। अब हुआ ये कि मेरी कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डाटा था, मैंने अपने लैपटॉप में रखा, डेफिनेटली कंपनी ने मुझे लैपटॉप दिया हुआ है, रखा उसकी तमाम जो क्रिटिकल फाइल है मैंने उन्हें ऑफलाइन सिंक कर लिया, और वो सारी के सारे फाइलें मेरी टेम्परेरी डायरेक्ट्री में आई। मैं लैपटॉप उठा के घर जा रहा था तो मैंने कि ट्रेन स्टेशन पे छोड़ दिया, ठीक है। जिस बंदे ने वो हार्ड ड्राइव लगाई उसने वो डाटा पढ़ लिया, अगर वो कॉन्फिडेंशियल था मुझे अगले दिन सैक लेटर मिल जाएगा और मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगर मेरे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने वहाँ पे इनक्रिप्ट का बटन दबाया होता, ठीक है, तो मेरे पास जितनी फाइल्स ऑफलाइन हो के सेव हो रही हैं मेरे लैपटॉप पे वो इनक्रिप्टेड होती तो नो बडी वुड बी एबल टू एक्सेस इट, ठीक है। इसकी इनक्रिप्शन की एक लंबी स्टोरी है, मैं उसकी उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, ठीक है। इट्स अ वेरी क्रिटिकल इनक्रिप्शन, ठीक है, और ये इस सॉर्ट ऑफ इज नॉट एन ईजी टू ब्रेक, ठीक है। तो अगर मैं इनक्रिप्ट कर दूँ तो मेरे पास ऑफलाइन में जितनी फाइलें आ रही होंगी मैं अपने नेटवर्क से उठा उठा के अपनी अपने लोकल मेमोरी में रख रहा हूँगा तो उन्हें इनक्रिप्ट कर देगा, और अगर मैं अपना स्टेशन पे लैपटॉप छोड़ जाऊँगा तो वो उस फाइल्स को जो मेरी कंपनी के सर्वर से मैंने डाउनलोड की हुई थी जो पे जाके मैंने घर में काम करना था वो उनको नहीं खोल सकता, ठीक है। नेटवर्क को कितनी देर के बाद वो उसको 5 मिनट के बाद जाके चेक करता रहे कि भाई नेटवर्क स्लो तो नहीं हो रहा, और ये वो, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, ठीक है। अच्छा जी, तो वो मेरे ख्याल में फाइल नंबर 2 मैंने डिलीट किया, उसके बाद दोबारा उसे सिंक्रोनाइज किया, वो हो गई है क्योंकि वो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था लेक्चर में का। एनीवे, तो अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि मैं चाहता हूँ कि ज़रा इसकी स्केड्यूलिंग भी कर सकूँ, ठीक है, स्केड्यूल फॉर ऑफलाइन फाइल्स, कि मैं कौन कौन सी फाइल्स को स्केड्यूल करूँ कि ये सिंक्रोनाइज खुद ब खुद होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी कस्टमाइजेशन है कि मैं चाहता हूँ कि एट अ स्पेसिफिक टाइम मैं चाहूँ सुबह 9 बजे जब मैं लॉग इन हूँ तो मैं कर सकूँ, या इसमें फर्दर ऑप्शन है कि मैं अपने कंप्यूटर को लॉक करके नीचे खाना खाने गया हूँ तब सिंक्रोनाइजेशन चला दे, ठीक है, मोर ऑप्शंस, ठीक है, आइडल फॉर 15 मिनट, स्टॉप सिंक अगर कंप्यूटर वेक ऑन स्लीप है, और फर्दर ऑप्शंस, ठीक है। और फिर अगर मैं ये कंप्लीट करना चाहता हूँ तो ये सिंक्रोनाइजेशन सेटअप हो जाएगी और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद खुद ब खुद सिंक करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि सिंक करे एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे, ठीक है। मैंने अब इसको सिंक किया और मैं अपनी वाइड ड्राइव के अंदर गया, ये एक मेरा फोल्डर था, और मैंने वर्क ऑफलाइन का बटन दबा दिया। अब इस तरह है कि जिस तरह मैं नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, वर्क ऑफलाइन, और ये जो अब ये जो फाइल है ये मेरी फर्स्ट फाइल है। अब मैं घर आया, अब मैं घर हूँ, मैं इसको डिस्कनेक्ट इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद इसमें RDP हुआ हूँ, मैं अगर इसको खुद डिस्कनेक्ट कर लूँ तो वही वाली बात है कि मैं उस दरख्त की ब्रांच पे बैठा हूँ जिसे मैं खुद काट रहा हूँ, ठीक है। सो आई कैन नॉट डू दैट वन, सो मॉडिफिकेशन एट होम, ठीक है, और मैंने इसको कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर लिया। अब ये सर्वर पे जाके सेव नहीं हुई, ठीक है। अगर मैं इस टाइम सर्वर पे जाके चेक करूँ पब्लिक के फोल्डर में, ये मेरा सर्वर है और मेरे ख्याल में सी ड्राइव पे मैंने ये फोल्डर रखा हुआ है, पब्लिक के फोल्डर में जाऊं, न्यू फोल्डर में जाऊं, और यहाँ पे सिंक्रोनाइज नहीं हुई हुई। क्यों नहीं हुई हुई? क्योंकि मैं अभी घर ऑफिस में नहीं आया, मैं अभी घर में बैठा हूँ, मैं चेंजेस कर रहा हूँ उस फाइल के अंदर, ठीक है। अब सुबह हुई, सुबह मैंने गाड़ी पकड़ी और ऑफिस पहुँच गया, ठीक है, और ऑफिस आके अब मैंने इस फाइल को या इस फोल्डर को जो सा है मैंने सिंक्रोनाइज करना है, ठीक है, जो मेरे पास एज अ ड्राइव लेटर है, ठीक है, ये मेरे ख्याल में था या ये पब्लिक फोल्डर था मेरे ख्याल में, ठीक है। तो मैं इसको सिंक करूँ, सिंक सिलेक्टेड ऑफलाइन फाइल, ठीक है, और वर्क ऑनलाइन करना पड़ेगा पहले मुझे, ठीक है, और अब इसको मैं कहूँ भैया अब आप ज़रा सिंक्रोनाइज हो जाओ, ठीक है, और ठीक है, अगर मैंने सिंक सेंटर के अंदर जाके देखना है कि इसके क्या साथ क्या हो रहा है तो ओपन सिंक सेंटर, और मेरे ख्याल में कंट्रोल पैनल में भी सिंक सेंटर का ऑप्शन होता है, और ये सिंक्रोनाइज कंप्लीट हो गई है। अब अगर मैं वापस सर्वर के अंदर जाऊँ, मुझे नहीं पता ये फाइल ओपन हुई हुई थी तो उसने सिंक किया होगा, दो वोला मॉडिफिकेशन एट होम, और ये फाइल अपलोड होगी सर्वर पे, ठीक हो गया।
इसको अगर आप बुरे तरीके पे देखें तो कुछ लोग घर में गए, कुछ वीडियोस टोरेंट से डाउनलोड की और वो इनक्रिप्ट वो होगी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्टेड होगी, वो वापस लाया, उसने अपने नेटवर्क में लगाया, सिंक्रोनाइज़ किया और उसने जनाब उनकी कंपनी के सर्वर की ऐसी तैसी कर दी। तो इसको आप डिस्ट्रक्टिव वे में देखना चाहें तो ये यूं भी हो सकता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, कि कभी फाइल वहाँ पर नहीं है या कुछ और हो गया है, तो फिर वी कैन फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ इश्यूज़, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ आवर सिंक्रोनाइजेशन एंड ऑफलाइन फीचर वर्क्स। और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको मेरे ख्याल में विंडोज़ विस्टा के अंदर इंट्रोड्यूस कराया था और विंडोज़ एक्सपी में भी थी, और मगर इसके अंदर अब ये सिंक सेंटर और इस तरह की चीज़ें एड अप होके तो बहुत हेल्पफुल फीचर हो गया, ठीक है। तो आई लव इट, आई लाइक इट एंड आई वॉन्ट टू यूज़ इट, आई डोंट यूज़ इट राइट नाउ, ठीक है। तो हमने देखा कि ऑफलाइन फीचर क्या होता है कि आपने अपने सर्वर पे से फाइलें उठाई, अपने कंप्यूटर में रख ली और उसको इनक्रिप्ट कर लिया, अगर किसी को कंप्यूटर मिल गया तो वो फाइलें नहीं खोल सकता, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि अगर मैंने घर जाके काम किया, सुबह आके सिंक किया, वो सारी अपडेट होगी, ठीक हो गया। सो दिस इज ऑफलाइन फीचर, ठीक है। इसके अंदर दो किस्म के फ्लेवर्स होते हैं, एक होस्टेड कैश होती है, ठीक है। होस्टेड कैश क्या है कि वो फाइलें जो सी है वो सर्वर से डाउनलोड कर लेगा और ऑफलाइन कॉपी यूज़ करेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड कैश क्या होती है कि अगर आप ब्रांच वाले एनवायरनमेंट में हैं, ब्रांच और हेड ऑफिस एनवायरनमेंट में है, तो आपके ब्रांच के किसी विंडोज 7 की मशीन पे कॉपी कर लेगा और जिसको वहाँ से चाहिए होंगी वो सारे ऑथोराइज्ड यूज़र उसको विंडोज 7 की मशीन से उठाते रहेंगे, बजाय इसके कि वो सर्वर पे जाएं, सर्वर उसे रीडायरेक्ट कर देगा कि इस ब्रांच में पड़ा हुआ, तुम ब्रांच के नेटवर्क से आ रहे हो तो तुम वहाँ से फाइलें उठा सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कैश से ये हमें फ़ायदा होता है कि वो हमें हर ब्रांच के अंदर सर्वर नहीं रखना पड़ता। ब्रांच में एक क्लाइंट मशीन होती है, उसके ऊपर सारा कुछ डाउनलोड हो रहा था, जिस क्लाइंट ने पहली दफ़ा वो PDF फाइल देखी, से सर्कुलर की फाइल है, तो वो उसकी मशीन पर डाउनलोड हो जाएगी और सब बंदे उसी फाइल से उठाते रहेंगे, बजाय इसके कि वो पूरे के पूरे वैन लिंक को जो सा है कंजेस्टेड कर दें। से मैंने कहा ये मेरी ब्रांच है और इसके अंदर ये यूज़र्स हैं और ये वैन लिंक है और ये मेरा कोई हेड ऑफिस है और ये हेड ऑफिस का बड़ा सारा राउटर है, उसके साथ ये भी ब्रांच लगी हुई, ये भी ब्रांच लगी हुई, तो वो यहाँ पे किसी मशीन पे डाउनलोड हो जाएगा, तो जितने लोगों ने एक्सेस करनी होगी वो यहाँ से करेगा, इस ब्रांच के यहाँ यहाँ से करेंगे और इस ब्रांच के यहाँ यहाँ से करेंगे। सिर्फ फाइल 3 दफ़ा डाउनलोड होगी जिसने पहली दफ़ा एक्सेस की हो, ठीक है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। थैंक्स फॉर लिसनिंग। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया और दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। पार्ट 3 में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।